हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बेरा एंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। गाइस, काफी दिनों के बाद हम चैनल पे आए हैं एंड वीडियोस बना रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि हम अभी रशिया के ट्रिप पे गए थे, जो इंटरनेशनल फिशिंग टूर्नामेंट था रशिया में। सो उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, सक्सेसफुल विक्ट्री मिली इंडिया को, इंडिया टीम को एंड टीम H2O को। उसके बाद आपको हमारे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ, जो हमारा कैमरा चोरी हो गया, उसके बाद हमारे पास जो गियर्स हमारे वो नहीं थे, जिसकी वजह से वीडियोज आने में काफी डिले हो रहा है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड आप लोग काफी हमारे जो एग्जिस्टिंग वीडियोज है उस पर कमेंट कर रहे थे कि आप जल्दी जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करें। सो हमने आपके कमेंट्स पढ़े, इसीलिए हमने कैमरे में इन्वेस्ट किया एंड आपके सामने वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए है गाइज। आप जानते हैं कि हमारा जो इन्फॉर्मेटिव बेसिक सीरीज, फिशिंग बेसिक्स का सीरीज चल रहा था, एपिसोड चल रहे थे, उसी का कंटिन्यूएशन है ये, क्योंकि अभी हमारा फिशिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। आपको जैसे कि पता है, हम मानसून सीजन में 4 महीना फिशिंग नहीं करते, ना के बराबर करते हैं, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। उसी सीरीज में आपको हम अगला एपिसोड दे रहे हैं। एंड आज का जो हमारा एपिसोड है गाइस, वो है जिगिंग के ऊपर, जो जिगिंग का जो फिशिंग का टाइप है उसके ऊपर ये एपिसोड है। इसमें हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं कि कितने टाइप की जिगिंग होती है, क्या क्या टेक्निक्स होते हैं इसमें, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है इसके अंदर, क्या क्या टैकल्स आपको यूज करना है, उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होते हैं एंड कैसे आपको सिलेक्शन करना परफेक्ट टैकल का, परफेक्ट टाइप ऑफ फिशिंग में, जिगिंग में, या परफेक्ट पर्टिकुलर स्पॉट पे। कोई आप स्पॉट पे जा रहे हो तो आपको कौन सा टैकल सिलेक्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। काफी डिटेल में बात होने वाली है, इस पर्टिकुलर जिग के बारे में बात होगी, कितने टाइप्स के जिग्स होते हैं, उनका सिलेक्शन कैसे करें आप एज पर योर फिशिंग स्पॉट। सो इसी के बारे में डिटेल में बात होगी आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। ये हम अपने नॉलेज के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो तो। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे चैनल पर आते रहते हैं एंड अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना गाइज, जो आपके दोस्त फिशिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, इसको एज ए स्पोर्ट लेते हैं एंड उसमें नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। सो उनसे जरूर शेयर करें अपना हमारा वीडियो। सो आप विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड एक्सप्लोर करते हैं जिगिंग का, जो फिशिंग का टाइप है उसको। सो गाइस, जो जिगिंग का फिशिंग का टाइप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिशिंग का टाइप है एंड बहुत ही काम का है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन बताने की कोशिश करता हूँ कि जिगिंग कितना इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर जो फिशिंग का टाइप है उससे, जैसे कि स्पिनिंग हो गया, ट्रॉलिंग हो गया, पॉपिंग हो गया। अब आप पॉपिंग में टारगेट करते हो सरफेस जो फीडिंग मछलियाँ हैं उनको, जब आप स्पिनिंग करते हो तो स्पिनिंग जो लूअर से पर्टिकुलर स्पॉट पे पर्टिकुलर डेप्थ में ही वो कवर करते हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं कवर कर सकते। आप अगर ऑफशोर फिशिंग कर रहे हो बोट से, ज़्यादा डेप्थ है 50 मीटर 60 मीटर डेप्थ है, 10 मीटर 20 मीटर के ऊपर डेप्थ है, तो ऐसे कोई प्रॉपर लूअर्स नहीं आते जिसमें आप उस डेप्थ को टारगेट कर सकते हो। आप बोलोगे कि जिग हेड्स यूज कर सकते हैं हम सॉफ्ट लूअर्स पे कर सकते हैं, पर उनका भी एक स्पेसिफिक डेप्थ होता है जिसको आप कवर कर सकते हो उससे, एंड उसमें सभी मछलियों को आप टारगेट नहीं कर सकते हो। सो वहाँ पे आ जाता है लिमिटेशन। इवन जब आप ट्रॉलिंग करते हो, ट्रॉलिंग में भी आप मैक्सिमम जो लूअर्स आते हैं ट्रॉलिंग के, मैंने नोटिस किया है कि जो 30 फीट 20 फीट 25 फीट इसके आसपास जाते हैं, सो वो भी एकदम एक्यूरेट जो हमको डेप्थ चाहिए, जो हमको रीफ में जो स्ट्रक्चर जो है कहीं डीप सी में वो हमको टारगेट करना है, या कोई डैम है, रिवर है, कोई डीप जगह है जहाँ पे ज़्यादा डीप है वहाँ की मछलियों को टारगेट करना है, तो उसको टारगेट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन बच जाता है जिग्स का। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ सैंपल के लिए, इस तरह के जो जिग्स होते हैं मेटल के जिग्स, इनका हमें इस्तेमाल करना होता है। अब आप बोलेंगे कि ये जो जिग्स है ये किस चीज़ के बने होते हैं। मेनली गाइस, ये जो जिग्स होते हैं हमारे, ये इस तरह के, ये दो टाइप के मटेरियल के बने होते हैं, एक होता है लेड और दूसरा होता है टंगस्टन। तो जो लेड है गाइस, उसको हम हमारे यहाँ पे शीशा बोलते हैं महाराष्ट्र में, शीशा, सो उसका बनता है, जिससे हमारे जो सिंकर्स बनते हैं बेट फिशिंग के, वो आप देख सकते हैं सिंकर्स जो होते हैं छोटे, उसी टाइप के मटेरियल का बना होता है वो, नॉर्मली जो चीप क्वालिटी के होते हैं, सस्ते होते हैं। अब इन जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं वो टंगस्टन के बने होते हैं। आपने नोटिस किया होता है जो जिगिंग करते हैं, जिग्स यूज कर चुके हैं, आप कभी कास्ट करते हो किसी पिलर पे कहीं पे लग जाता है तो हमारा जिग टेढ़ा हो जाता है। जब टेढ़ा हो जाता है इट मीन्स इट इज मेड अप ऑफ लेड। एंड अगर आपका स्ट्रांग जिग है, थोड़े महंगे आते हैं जो टंगस्टन के बने होते हैं, जो मोस्टली इंडिया में लोग अफोर्ड नहीं करते, ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, सो देर आर सर्टन कुछ कंपनियाँ हैं जो टंगस्टन की जिग्स बनाते हैं, जैसे उसमें से एक है मेजर क्राफ्ट एंड बाकी मुझे आइडिया नहीं है दूसरा कौन सा ब्रांड उसमें बनाता है, काम करता है उसके ऊपर, बट आता है गाइस। सो मेनली दो टाइप के मटेरियल इसमें यूज होते हैं, एक हो गया टंगस्टन और एक हो गया लेड।
अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो स्पिनिंग जो टाइप है, स्पिनिंग हो गया, ट्रॉलिंग हो गया, इसमें हम पर्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर डेप्थ ही टारगेट कर पाते हैं, सभी मछलियां हम टारगेट नहीं कर पाते हैं। इवन अगर आप कोई जिगेड यूज करते हो कोई सॉफ्ट लोअर पे, जिगेड को आप जब डालोगे पानी के अंदर, सो वो, मेरा एक इंसिडेंस आपको बताता हूँ, वो डेप्थ तक नहीं जाएगा। अगर आपका 40 ग्राम का भी जिगेड है तो भी वो नीचे नहीं जाएगा, सेटल नहीं होगा। उसके पीछे रीजन होता है, एक साइंटिफिक रीजन है जो साइंस के स्टूडेंट है उनको समझ में आएगा ये बात, इवन आप लोगों को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। साइंस में कॉन्सेप्ट होता है वाटर डेंसिटी। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं एक पर्टिकुलर कैमरा को आप 5 मीटर लेके जा सकते हैं पानी के नीचे, उससे ज्यादा नीचे जाओगे तो उसके अंदर पानी जाएगा। ऐसा क्या होता है गाइस कि हम कैमरे को नीचे डालते हैं 4 मीटर 5 मीटर तक, तब तक पानी नहीं जाता उसमें, और नीचे लेके जाएंगे तो उसमें पानी चले जाता है, इसलिए हमें वाटर प्रूफिंग का केस यूज करना पड़ता है। सो उसकी उस वहां पे कंसेप्ट आ जाता है डेंसिटी का, वाटर डेंसिटी। मतलब ऐसा है कि ये कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, समझ लो मेरा ये थम्सअप का कंटेनर है, अभी यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो वो पानी की जो नीचे का पानी का पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा वेट नहीं है। अगर यही पानी पूरा भर देंगे तो ऊपर के पानी के ऊपर ज्यादा वेट नहीं, लेकिन जो नीचे पानी है उसके ऊपर ज्यादा पानी का वेट पड़ा हुआ है। सो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा डेंसिटी, ऐसा सा जहां जहां पे ऊपर आते जाएगा वहां पर डेंसिटी कम होगा, और सबसे नीचे जाएंगे तो डेंसिटी, वाटर डेंसिटी ज्यादा होगा। सो क्या होता है कि जब हम कोई भी जिग या कोई भी डालते हैं इसके अंदर, तो ऊपर वो आराम से आएगा, नीचे जाते हुए जाते हैं, जैसे जैसा डेंसिटी बढ़ता जाएगा वो स्लो 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 सिंक होगा। एकदम ज्यादा डेंसिटी वाला एरिया में जाएगा तो वहां पे वो जाएगा ही नहीं, एक लेवल पे आके अटक जाएगा यहाँ तक, उसके नीचे नहीं जाएगा। ये एक्सपीरियंस मुझे मिला था अंडमान में। अंडमान में मैं 40 ग्राम का एक सॉफ्ट लोअर यूज कर रहा था, जिग वाला, जिगेड वाला, जो मैंने कोशिश की, मुझे जिल्टीज दिख रहे थे नीचे डेप्थ में, मैंने कोशिश किया वहां पे वो डाल के ट्राई करने का, मेरे पास जिग्स नहीं थे उस टाइम पे, ये पिछले 4-5-6 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, मेरे पास जिग्स नहीं था, मैं ऐसे चला गया था कैजुअली वाइफ के साथ घूमने के लिए, तो वहां पे मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की थोड़ा टाइम पास के लिए। सो मेरा वो जो जिगेड वाला मेरा सॉफ्ट लोअर था 40 ग्राम का, उसको मैंने डाला, जीटी मुझे दिख रहा है बॉटम में चल रही, जीटी है वहां पे, बट मेरा जिगेड मैंने ड्रॉप किया, मुझे लगा जाएगा नीचे तक, लेकिन गया नहीं, वो मुझे दिख रहा है कि बीच में अटक गया है वो जाके, तो तब मुझे वो वहां पे क्लिक हुआ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। सो यहाँ पे पूरा गेम है वाटर डेंसिटी का। इसीलिए गाइस जब आप कोई डीप सी में फिशिंग करते हो जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा डेप्थ है, वहां पे हमें इस तरह के जिग्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप देख रहे हैं 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम इवन 1-1 किलो तक के भी जिग्स आते हैं। सो ये कहाँ यूज किए जाते हैं, जहां पे ज्यादा वाटर डेंसिटी है, ज्यादा डेप्थ है, वहां के मछलियों को टारगेट करने के लिए। सो जिगिंग एक ऐसा टाइप है गाइस जिसमें आप छोटे से छोटा मछली एंड बड़े से बड़ा मछली आप उस पर टारगेट कर सकते हो, प्रेडेटर का जो टॉप वाटर में रह रहा है उसके आसपास भी, इवन जो एकदम नीचे बॉटम में रह रहा है बहुत डीप में, उसको भी आप टारगेट कर सकते हो। इसीलिए बहुत ही वर्सेटाइल फिशिंग का टाइप है, इसमें आप सभी मछलियों को टारगेट कर सकते हो, और जो भी मतलब ऑल प्रेडेटर्स में बोल रहा हूँ, जो कितने भी डेप्थ में रहती है उससे फर्क नहीं पड़ता है। सो सबको टारगेट करने के लिए अलग टाइप के जिग्स आते हैं, अलग अलग वेट होते हैं उनके, अलग अलग उनका वेट प्रोफाइल होता है लूअर का, जिसके हिसाब से वो मछलियाँ उस पर अट्रैक्ट होती है, उस पर अटैक करती है एंड हमें मछलियाँ मिल जाती है। अभी जो फिशिंग के स्पॉट होते हैं जिगिंग के लिए, उसमें मेनली होते हैं, देखो आप एक हो गया रीफ, रीफ मतलब आप समुद्र में कहीं देखेंगे, नोटिस करेंगे आप, तो कहीं कहीं पे आप जाओगे तो आपको अगर फिश फाइंडर है तो आपको दिखेगा यहाँ पे पहाड़ जैसा ऊपर उठा हुआ है, भले डीप सी में आप जा रहे हो तो वहाँ पे पहाड़ जैसा उठा हुआ है, नीचे थोड़े स्लोप दिख रहे हैं, रीफ है वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, और कहीं कहीं पे जाओगे आप बहुत डीप दिखेगा लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा नीचे। तो जो रीफ होता है वो स्ट्रक्चर वाला जो एरिया होता है समुद्र का, ये समझ लो कि जो छोटे मोटे पहाड़ होते हैं वो समुद्र के अंदर है, तो वो जहाँ वैसे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा मछलियाँ होती है, बड़े बड़े प्रेडेटर वहाँ पे बैठते हैं, सो उनको टारगेट करने के लिए हमें जिगिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। सो वहाँ पे बहुत मजा आता है गाइस। अभी जो दूसरा टाइप का जो स्पॉट है वो है पिलर्स हो गया, कोई स्ट्रक्चर हो गया, पियर फिशिंग जिसको बोलते हैं आप, पिलर्स के आसपास करो, कोई जेटी है उसके आसपास, स्ट्रक्चर के आसपास आप फिशिंग करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा काम करता है जिगिंग, आप कास्टिंग कर सकते हो। इवन आप जब स्पिनिंग और ट्रॉलिंग का देखेंगे तो आपको पर्टिकुलर जो लूअर है आप उसको कास्टिंग करना चाहते हो तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक कास्ट होता है, ज़्यादा दूर जाता नहीं है। इसका जो वेट का शेप है, इवन जो वेट होता है इसका जिग का, इतना ज़्यादा होता है कि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस में कास्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक आपको समझ में आएगा अगर हम एग्जाम्पल देंगे रावस फिशिंग का, रावस मतलब सैलमन,
अभी सैलमन जो मछली है, रावस है हमारी इंडियन इंडिया की, इसको टारगेट करने के लिए हमें इस तरह के जिग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये वाले, इनका इनका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत दूर कास्ट कर सकते हैं हम, और रावस बहुत स्पीड में फास्ट अटैक करने वाली मछली है, बहुत दूर दूर रहती है, ज्यादा किनारे पे बहुत कम दिखती है। तो उसको टारगेट करने के लिए हमें इस तरह के हैवी जिग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उनको बहुत स्पीड में लेके रिट्रीव करना होता है जिसपे वो अटैक करती है, इस तरह के जिग्स पे। एंड दूसरा जो अभी जो स्पॉट है इसका, वो आ जाता है बैक वाटर के ब्रिजेस। बैक वाटर जो होता है नदियों का, जो हमारा खाड़ी होती है उसका जो ब्रिज होता है, ब्रिज के ऊपर भी आप खड़े रह के उसके पिलर्स के आसपास जिगिंग कर सकते हो, एक जगह पे खड़े रह के वो उधर आप यूज कर सकते हो। इवन सर्फ में जो बीचेस होते हैं, बीचेस पे कहीं जीटी है, कहीं फीडिंग कर रही है, बीच पे तो काफी दूरी फीडिंग करेगी वो, तो आप देख रहे हैं फीडिंग हो रहा है, रावस का फीडिंग है, जीटी का फीडिंग है, आप किनारे से कास्टिंग करके उसको हॉरिजॉन्टल जिगिंग में फास्ट रिट्रीवल करके आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो ये कुछ टाइप ऑफ स्पॉट्स है जहाँ पे आप जिगिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जिग्स के कितने टाइप होते हैं। मेनली आप नोटिस करेंगे गाइस, जब आप जिग्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो टाइप के जिग्स आते हैं, एक होता है स्लो पिच जिग, एक होता है फास्ट पिच जिग। स्लो पिच में भी एक आता है शॉर्ट फॉल जिग, अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये एक जिग है जो मेजर क्राफ्ट का जिग पारा का जिग है, आप इसमें देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है दिस इज स्लो जिग। एंड दूसरा एक आपको जिग दिखाता हूं, ये वाला देखिए, यहां पे कहीं पे भी आपको स्लो जिग नहीं लिखा हुआ है। इसका जब आप मॉडल नंबर पे ध्यान देंगे, इसका मॉडल है जेपी स्लो, एंड इसका मॉडल है जेपीएस, मतलब शॉर्ट फॉल जिग है, इवन आप इसको बोल सकते हैं कि फास्ट जिग है ये। आपको आपको मैं खोल के इसका बॉडी का डिजाइन दिखाता हूँ, उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। इसका इंडिया का सबसे अच्छा चलने वाला ब्रांड है अभी ये जिगिंग में, मैं कोई ब्रांड प्रमोशन कर नहीं रहा हूँ, बट आपको बताना जरूरी है गाइस, क्योंकि आप लोग अभी प्रैक्टिस करना चालू कर रहे हैं सब लोग, सो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या काम की चीज़ है। इनका जो बॉडी डिजाइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों का वेट सेम है, बट इसका साइज देखिए ज्यादा है, ये ज्यादा चौड़ा है। इवन इसके बॉडी के ऊपर जो डिजाइन दिया गया है, कंपनी ने जो ऐसा इसका प्रोफाइल बनाया हुआ है वो बहुत सोच समझ के काफी रिसर्च करके बनाया हुआ है। एंड इसका आप देख सकते हैं ज्यादा डिजाइन नहीं है, एकदम एजेस इसमें शार्प है, जिसकी वजह से ये आप छोड़ोगे तो ये फास्ट सिंक होगा। सिंक होने के टाइम पे भी इनके एक्शन होते हैं। अभी जो स्लो ये देखिए लिखा हुआ जेपी स्लो 50 ग्राम, ये जो स्लो फॉल होगा इसका, तो जब आप छोड़ोगे तो ये ऐसा 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 मोस्टली ये एक्शन ज़्यादा मिलता है इसको, ये वाला ऐसा रोलिंग एक्शन ऐसा ऐसा रोलिंग एक्शन जाएगा, फिर आप रिट्रीव करोगे तो ऐसा ऐसा आएगा, फिर रोलिंग एक्शन जाएगा, ऐसा ऐसा आएगा, फिर रोलिंग करते हुए जाएगा, इस तरह का स्लो एक्शन होता है। एंड ये जो होता है इसको आप छोड़ोगे तो ये भी होगा ऐसा वैसा, बट ये ज़्यादा फास्ट जाएगा बिकॉज ऑफ दिस बॉडी डिजाइन, उसकी वजह से ये ज़्यादा सिंक होगा फास्ट, एकदम ऐसा 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 करके फास्टिंग होगा। सो मोस्टली ड्रॉप पे ज़्यादा मछलियाँ अटैक करती है। सो आप लोगों को डिसाइड करना, सिलेक्शन करना होता है आपको स्लो वाला लेना है कि फास्ट वाला लेना है जिग। अभी जो जिग का सिलेक्शन होता है गाइस, वो डिपेंड करता है वाटर डेप्थ के ऊपर कि कितना डेप्थ में आप फिशिंग करना चाहते हो, 10 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, उसके हिसाब से आपको जिग का सिलेक्शन करना, जो कि मैंने वाटर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बताया। तो अगर आपका डेप्थ ज़्यादा है तो आपको फास्ट वाला जो फास्ट पिच जो हमारा जिग है उसको आपको यूज करना चाहिए, जो ज्यादा डेप्थ में आपको टारगेट कर रहा है, क्योंकि आप छोड़ोगे तो बैठ नीचे पहुंचना चाहिए वो डेप्थ तक, पता चला आपने छोड़ दिया वो नीचे नहीं जा रहा है, स्लो पिच आराम से जा रहा है एकदम, तो आप वेट कर रहे हो जिगिंग में एकदम फास्ट, अपने को जितना नीचे जाके टारगेट करोगे उतना ज्यादा आप मछलियां आप टारगेट कर पाओगे, जितना फास्ट आपका बैठ जाएगा नीचे लूअर। सो इस तरह के आपको फास्ट यूज करना है। फास्ट में भी आप देखेंगे तो इस तरह के बड़े बड़े जिग्स भी आते हैं। अब इसका बॉडी आप देख लीजिए, इसके ऊपर भी देखो स्लो लिखा हुआ है, आप देखेंगे इसके ऊपर स्लो लिखा है, इस पर लिखा है लॉन्ग, लंबा वाला जिग है ये बड़ा, बट ये भी फास्ट वाला जिग है, ये भी फास्ट जाएगा नीचे। और ये जो इसका बॉडी जो चौड़ा है, जिसकी वजह से ये आराम से ये रोलिंग एक्शन देखे मोस्टली जाएगा, इस तरह से रोल करते हुए नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा ऐसा भी होगा और रोल होगा। तो रोल होने से क्या होता है, इसके बॉडी पे एक आप देख सकते हैं एकदम रिफ्लेक्टिव डिजाइन होता है,
जो रिफ्लेक्ट होता है पानी में, जिससे दूर से ही मछलियाँ उसको देख के अट्रैक्ट होती है और आके उसको अटैक करती है। तो इस तरह के बड़े बड़े जिग्स भी आते हैं। कुछ जिग्स इसमें दो और टाइप है जिसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक है इसमें वाइब ल्यूअर, जो हमारे मेजर क्राफ्ट का भी आता है वाइब ल्यूअर, अभी मेरे पास सैंपल के लिए नहीं है भाई। ये वाला एक है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का। तो इस तरह का जिग आता है जिसमें पीछे ब्लेड लगा होता है, आप देख रहे हैं ब्लेड। तो इसको आप अगर शोर से कर रहे हो तो शोर से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, शोर से अगर आप कास्टिंग कर रहे हैं इसको स्ट्रक्चर्स के आसपास, क्योंकि आप उसको स्पिनिंग के हिसाब से लेके आएंगे ना, उसको ब्लेड का बहुत अच्छा एक्शन आता है इसमें, जिसकी वजह से मछलियाँ अट्रैक्ट होती है। जीटी वीटी तो धपाधप ठोकती है इसको। इसका नाम है स्पिन 40 ग्राम, ये 40 ग्राम है। इसमें छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं। तो इस तरह का जिग आता है। तो इस तरह के कुछ जिग्स है गाइस। और एक जिग का टाइप है जिसको मैंने इसमें कंसिडर किया है जिगिंग में, उसको बोलते हैं बग टेल। इस तरह का बग टेल आता है, ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव है जीटी वगैरह के लिए, मैंग्रोव जैक वगैरह आपको अच्छे लग सकते हैं इसके ऊपर। सभी मछलियाँ अटैक करती है इसको ज़्यादा करके, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि आप इसका इस्तेमाल करें अपने डैम में, जो डैम होते हैं डीप डैम्स हो गए, रिवर्स हो गए, फ्लोइंग रिवर्स हो गई, वहाँ पर इनका काफ़ी रिजल्ट होता है गाइज। आप वहाँ पर भी जिगिंग करके थोड़ा एक्सप्लोर करें, क्योंकि जिगिंग का जो टेक्निक है अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो आप लोग इसको एक्सप्लोर करें, कोई डीप डैम है जहाँ पे 500 फीट 600 फीट डेप्थ है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मासीर है, मासीर को टारगेट करने के लिए आप जिगिंग करें वहाँ पे जाके बोट पे। इवन कोई फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग नदी है जहाँ पे मासीर वगैरह है, वहाँ पे आप यूज़ करें। छोटे जो जिग्स है 10 ग्राम 20 ग्राम के जिग्स, उनका इस्तेमाल करें फ्लो में, लेके आए उसको जिग करके, उस पर 100% स्ट्राइक मिलना चाहिए। मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया, मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं स्टार्ट करूँगा सीजन तो मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा, आपको रिजल्ट दूंगा उसका जल्दी से जल्दी। तो ये हो गए कुछ टाइप के जिग्स गाइस जो हम यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं इस तरह के जो जिग्स आते हैं इसमें और इसमें, ये जिग है इसके अंदर प्री रिग्ड आपको जिग है ये मिल जाता है असिस्ट हुक। इसके जो हुक्स होते हैं गाइस आप देख सकते हैं, इस तरह का हुक होता है, नीचे ट्रेबल लगा हुआ है, बट आई रेकमेंड कि आप ट्रेबल निकाल दें अगर आप रॉकी सरफेस में जिगिंग कर रहे हैं, तो ट्रेबल निकाल के सिंगल ऊपर ही आप असिस्ट हुक लगाए इस तरह, इसमें जैसे लगा हुआ है ऐसा, और एक असिस्ट हुक आप लगा सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है गाइस ज़्यादा। जबकि इसमें जब हुकअप हो गया तो मिस होने का चांस बहुत कम होता है, ट्रेबल हुक ज़्यादा अटकता भी है, और ये वाला जो होता है असिस्ट हुक ये जल्दी ज़्यादा रॉक्स में जल्दी अटकता नहीं है। सो आप बिंदास रॉक्स में भी जिगिंग कर सकते हो। सो ये जो असिस्ट हुक होते हैं गाइस, ये सभी लूअर्स में नहीं आते, सभी जिग्स में नहीं आते। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह के जो जिग्स है, कुछ जिग्स आपको मार्केट में मिलेंगे जिसमें असिस्ट हुक नहीं लगा होता है। अभी असिस्ट हुक आप सेपरेटली परचेज भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ असिस्ट हुक हैं, इस तरह के असिस्ट हुक आते हैं जिसमें 1/0 से लेकर 5/0 तक के सभी साइजेस अवेलेबल है मार्केट में, आप भी परचेज कर सकते हो। सो ये जो प्री रिग्ड मतलब रेडीमेड जिग्स है, असिस्ट हुक है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने जिग्स में, इस तरह के जिग्स में। जितना बड़ा जिग है आपको उतना बड़ा साइज आपको यूज़ करना है। अगर सबसे बड़ा साइज इसमें देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे H2O में इसमें 5/0 आपको मिल जाएगा सबसे बड़ा साइज, ये वाला। सो बड़े जिग में आपको इस तरह के असिस्ट हुक का इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे छोटा जिग होता जाएगा वैसा आपको छोटा जिग असिस्ट हुक यूज़ करना है। ये जैसे 1/0 है, 1/0 2/0 3/0 4/0 5/0 इस तरह के रेडीमेड असिस्ट हुक आते हैं। अब इसमें और एक ऑप्शन आता है गाइस कि आप आपके जो छोटे छोटे जिग्स होते हैं इस तरह के माइक्रो जिगिंग में जो यूज़ करते हैं आप 10 ग्राम 20 ग्राम के, उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह के जिग्स असिस्ट हुक, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें ग्लिटर्स होते हैं, शाइनी मटेरियल यूज़ होता है हुक्स के अंदर, जो कि बहुत ही इफेक्टिव होता है गाइस इस तरह के, आप देख सकते हैं। ये जो है हमारा ये स्क्विड का मॉडल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक मिलता है जीटी वगैरह का, जो शाइनिंग आप दिख रहे हैं ग्लिटर्स लगे हुए इसके अंदर, थ्रेड्स लगे हुए शाइनी, वो थ्रेड्स लगाए जाते हैं ताकि उससे अट्रैक्ट होए मछलियाँ। आपके जिग से इतने अट्रैक्ट नहीं होंगे जितने इस हुक से अट्रैक्ट होंगे, तो आके आपके हुक को पकड़ेंगे दबा के एकदम। तो इस तरह के आप जिग्स का इस्तेमाल, सॉरी असिस्ट हुक का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास असिस्ट हुक नहीं है तो आप अगर चाहते हो कि मैं बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। इस तरह के जिगिंग सिंगल हुक्स रहते हैं, सेट आते हैं, ये मस्टर्ड का है, जिगिंग का पूरा सेट है, इस तरह का आप ले सकते हो। इसको बनाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं इस तरह का, ये होता है लाइन होता है जिसको क्या बोलते हैं इसको यार, क्या नाम है सर इसका, असिस्ट कॉर्ड,
असिस्ट कॉर्ड नहीं है, और एक कुछ तो नाम था इसका, केवलर, केवलर ना, केवलर कॉर्ड। हाँ सो गाइस इसको बोलते हैं केवलर कॉर्ड, असिस्ट असिस्ट हुक बनाने के लिए इस तरह का रस्सी जैसा आता है ये, बहुत ही स्ट्रांग होता है। इसमें अलग अलग डायमीटर आता है, अलग अलग स्ट्रेंथ का आता है, तो जितना बड़ा आपको बनाना है उतना स्ट्रेंथ वाला ले सकते हैं आप। 100 LB से लेके 50 LB, 250 LB, इवन आप देख सकते हैं 250 LB का है, और ये वाला जो है 80 LB का है। तो आप जैसा बनाना चाहते हैं असिस्ट हुक, वो हिसाब से ये लेके इसके ऊपर आप इसके हुक का इस्तेमाल करके अपने हाथ से भी आप असिस्ट हुक बना सकते हो। तो ये बहुत काम की चीज है गाइस। तो ये हो गया कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट दी जिग्स। सो अब हम देखने वाले इंफॉर्मेशन अबाउट दी टैकल्स। अब इसमें जो टैकल सिलेक्शन होता है उसमें आ जाता है रॉड सिलेक्शन ऑफ जिगिंग रॉड, जिगिंग रील। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये, क्योंकि टैकल आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आप वहां पे चूक खा जाओगे और आप आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि अगर आप स्पिनिंग का टैकल यूज करोगे फॉर जिगिंग तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप दुनिया भर को गाली देते बैठोगे कि हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए परफेक्ट जो टैकल का सिलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप की फिशिंग में, कोई भी टाइप की फिशिंग करते हो आप उसमें उसके लिए। सो हे गाइस, टैकल सिलेक्शन जो होता है जिगिंग का, उसमें आगे बढ़ने से पहले मंगेश सर ने एक टॉपिक इसमें सजेस्ट किया ऐड करने के लिए, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, जो कि मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोगों का मोस्टली कन्फ्यूजन होता है कि जिग हेड एंड जिग्स में क्या डिफरेंस है। लोग जिग हेड को ही जिग समझ लेते हैं। सो ये गलतियां ना करें, ये जिग हेड का सेटअप है एंड ये जिग्स है, दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। दोनों का वेट प्रोफाइल अलग है एंड दोनों का काम भी अलग है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। सो ये जो जिग हेड का सेटअप होता है गाइस, वो इस तरह के जिग हेड में बनता है। आप देख सकते हैं ये जिग हेड है एंड ये होता है हमारा सॉफ्ट लोअर, स्विमिंग लोअर। सो इसके अंदर इसको रेक करके इस तरह का सेटअप बनता है जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या है। ये है जिग। जिग जो होता है कम्प्लीटली मेटल का बना हुआ एक सिंगल पीस होता है। इसका जो बॉडी डिजाइन होता है वो डिफरेंट होता है एंड इसका काम होता है स्विम करना, खुद ही ये स्विम करता है। इवन जब जिगेड़ की बात करते हैं तो जिगेड़ में जिगेड़ का काम होता है इसके साथ में जो स्विमिंग जो सॉफ्ट लोअर है उसको लेके स्विम करना या उसको लेके नीचे जाना। सो इसमें इसका जो मैक्सिमम साइज आता है मोस्टली हमने नोटिस किया है जो 24-25 ग्राम 27 ग्राम के आसपास मोस्टली मिलता है जिगेड। जबकि आप जब जिग्स में जाते हो तो आपको 200 ग्राम 300 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो तक के साइज में मिल सकता है आपको ये, जिसका जो वेट है उसके हिसाब से। सो इसका काम है इसको स्विमिंग एक्शन देना जो लूअर लगा हुआ है उसका, जिसका लिमिट होता है एक पर्टिकुलर डेप्थ तक। क्योंकि जो वाटर कंडीशंस होते हैं जो वाटर होती है, वाटर बॉडी होती है, उसके अंदर ज़्यादा उसके अंदर ग्रेविटी बोलो या उसका जो डेंसिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाता है ये, या बहुत जल्दी सिंक नहीं होता है इस तरह का सेटअप। वेयर एज की आप देखेंगे कि इस तरह का जो सेटअप होता है, जो जिग्स का सेटअप है, ये सिंगल नीचे जाता है, इसका बॉडी का डिजाइन अलग होता है जिसकी वजह से इसका स्विमिंग एक्शन मिलता है। इसको स्विमिंग एक्शन आपको देना होता है या इसको टेल को एक्शन मिलता है सॉफ्ट लोअर को, जिग का कोई एक्शन नहीं होता है। जिग का काम है खाली इसको लेके नीचे जाना। इसमें इसका जो बॉडी का डिजाइन है जिग्स का, उसका बॉडी का डिजाइन के हिसाब से उसको एक्शन होता है, स्लो फॉल होता है, फास्ट फॉल होता है, उसके हिसाब से इसको एक्शन होता है। जब हम इसको रिट्रीव करते हैं जिग्स को, जब खींचते हैं तो उसका स्विमिंग एक्शन अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से उसका वेट प्रोफाइल होता है एंड उसके ऊपर अटैक मिलता है अलग अलग टाइप की मछलियों का। जितना जल्दी ये सिंक होगा जिग, उतना जल्दी आपका जिग हेड सिंक नहीं होगा बॉटम में। जब तक ये बैठेगा नीचे तब तक ये दूसरा नीचे जाके मछली उठा के भी लेके आ जाएगा। सो ज़्यादा डेप्थ में इसका काम होता है गाइस, जिसको बोलते हैं जिग। तो आप लोग इसके बीच दोनों के बीच में कन्फ्यूज ना हो। सो दोनों का काम अलग है, दोनों का प्रोफाइल अलग अलग है। सो ये कन्फ्यूजन क्लियर करना बहुत जरूरी था गाइस, थैंक्स टू मंगेश सर जिन्होंने हमें ध्यान दिलाया इसके बारे में। सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं जो टैकल सिलेक्शन है जिगिंग का, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इसमें गाइस सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है लोगों का, एंगलर्स का, कि हम जिगिंग में स्पिनिंग रॉड का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। ये सबसे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बहुत लोग हमें कमेंट करके भी पूछते हैं कि सर हम स्पिनिंग रॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते जिगिंग के लिए। सो मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहता हूँ गाइस। जो जिगिंग होता है उसमें दो मेन फैक्टर होते हैं, जिसमें होता है जिगिंग रॉड का बैकबोन का पावर एंड जिगिंग रॉड का जो पैराबोलिक एक्शन होता है या उसका जो फ्लेक्स होता है रॉड में, वो इंपॉर्टेंट होता है।
वेयर एज आप स्पिनिंग में देखेंगे तो उसमें मोस्टली फास्ट एक्शन एंड मीडियम फास्ट एक्शन का रॉड्स का ज्यादा यूज किया जाता है। तो आपको मैं एग्जांपल के साथ में दिखाना चाहता हूँ। सो गाइस एग्जांपल के लिए मेरे पास दो रॉड है अभी सामने, आप देख सकते हैं। ये वाला है लेफ्ट हैंड में जो है वो स्पिनिंग रॉड है, राइट हैंड में मेरे जिगिंग रॉड है। सो इसका जो टिप का एक्शन होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखेंगे ये जो है ये हमारा स्पिनिंग रॉड है, इसका जो टिप है आपको आई होप आपको दिखता होगा इस एंगल में। सो आप इसको बेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि क्या एक्शन मिल रहा है। इसका जो टिप है मीडियम फास्ट एक्शन है या रेगुलर एक्शन है इसका, रेगुलर फास्ट एक्शन। सो आप देख रहे हैं इसको बेंड यहां तक ही आ रहा है मिड सेक्शन के आसपास। सो अभी आप अगर आप जिगिंग रॉड देखते हो, आपको दिखाता हूं मैं जिगिंग रॉड, ये एक जिगिंग रॉड है। अगर आप इसको बेंड करते हो तो आप देख सकते हो इस तरह का। सो इसको जो आप देखेंगे तो ये इतना बेंड होने के बाद भी इसका पावर कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है। सो ये इसका मेन बैकबोन का पावर होता है इस एरिया में, क्योंकि ये बट जॉइंट रॉड होता है। आप देख सकते हैं जिगिंग रॉड मोस्टली बट जॉइंट होते हैं, स्पिनिंग रॉड टू सेक्शन में होते हैं, यहाँ से जॉइंट होते हैं मिडिल सेक्शन से, एंड जो जिगिंग रॉड है बट जॉइंट होता है। बट जॉइंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसका जो काम है वो बैकबोन का पावर यहाँ पे होना चाहिए। सो इसके लिए हमें जिगिंग रॉड हमारा ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, आप देखेंगे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वेयर एज आप स्पिनिंग रॉड देखेंगे तो ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता है, देखिए स्टिफ होता है ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, दोनों को मैं करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ये इसके फ्लेक्सिबल होने के पीछे रीजन ये होता है कि ये इसको बेंड मिलना चाहिए, तब जाके वो जो बॉटम की मछलियां हैं उनको ड्रैग कर पाएगा ऊपर की तरफ। इवन जो जिग होता है हमारा, जिग को जो हम फॉल करते हैं जिगिंग रॉड से, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इस तरह से जब आप जिगिंग करते हो तो आपका जिग है, जो जिग को आपने ड्रॉप किया है नीचे जा रहा है, जब इसको आपको उठाना है, अगर आपके टिप में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जिगिंग रॉड के, तो ये वो एक्शन नहीं दे पाएगा, वो जो फ्लो है उसको वो फ्लो नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसको परफेक्ट एक्शन नहीं मिलेगा। इवन अगर आप स्टिफ रॉड कोई स्पिनिंग रॉड से कर रहे हो, आप उठाओगे उस जिग को तो तुरंत ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस में उठेगा, नीचे आएगा, तो जिसमें आपको स्ट्राइक नहीं मिलेगा। इवन जब हम कोई जिगिंग रॉड से करते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, जब आप जिगिंग रॉड से करते हो तो ये इस तरह का फ्लेक्स मिलता है इसमें, इस तरह का, जिसकी वजह से आपको जिग को परफेक्ट एक्शन मिलता है, एंड आपका जिग बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाता है, वो एक ही रेंज में इस तरह से घूमता है, इतना इससे डिस्टेंस से इतने इतना एक्शन में आएगा, हो इतना इतना बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, हो तो उसके उसमें इसको परफेक्ट एक्शन मिलता है जिग को, उस पर स्ट्राइक मिल जाता है। और एक बार स्ट्राइक मिल गया, जबकि आप जानते हैं जिगिंग हम जब करते हैं नॉर्मली वर्टिकल जिगिंग जब हम करते हैं, हम किसी बोट पे होते हैं या ऐसे स्ट्रक्चर पे होते हैं बोट वगैरह पे, जहां पे अगर मछली बॉटम से हम ड्रैग करना चाहते हैं तो नीचे जाएगी और आपको रॉड पे यहाँ पे प्रेशर आएगा, जो कि बैकबोन है मेन रॉड का इधर का। उसके बाद अगर बोट से आप कर रहे हो फिशिंग तो बोट के नीचे क्रॉस करके उस तरफ भी जा सकती है। तो अगर आपका रॉड बेंड नहीं हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसमें इतनी, तो आपका रॉड यहाँ से ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जो एंगल ऑफ बेंड होता है बैंक जो बन रहा है उसका एंगल ऑफ बेंड वो बहुत ही रिस्की हो जाता है इन केस ऑफ स्पिनिंग रॉड, तो वहां पे आपका रॉड टूटने का चांसेस बढ़ जाता है जिगिंग में। तो इसलिए हम प्रॉपर जिगिंग रॉड को इस्तेमाल करते हैं जिगिंग का जो टाइप है फिशिंग का उसके लिए। अब जिगिंग में भी दो तीन टाइप की जिगिंग आती है, इसमें जो जिगिंग रॉड होते गए उसमें भी दो टाइप के आते हैं, एक ओवरहेड जिगिंग रॉड होता है और एक होता है नॉर्मल जिगिंग रॉड जो मैं अभी आपको दिखाया, और तीसरा जो टाइप है वो है माइक्रो जिगिंग रॉड का। तो माइक्रो जिगिंग रॉड में भी आप देख सकते हैं इस तरह का, मैं वो आपको दिखा देता हूँ, ये एक माइक्रो जिगिंग रॉड की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। इससे छोटे छोटे माइक्रो जिग्स 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम तक मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो, उससे छोटा ही जाए, मैं रिकमेंड किया आप 10 ग्राम से नीचे ही जाए जिग्स में, उसमें जो मजा आएगा वो कोई जिगिंग में नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे माइक्रो गेम बहुत पसंद है इसलिए मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। इस तरह का एक लाइट टैकल है और उसके ऊपर आप जिगिंग कर सकते हो छोटा मोटा जिग यूज करके, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है गाइस। छोटे मोटे 2-4 किलो 5 किलो तक की मछली आप टारगेट कर सकते हो उस पर, एंड बहुत ही मजा आता है खेलने के। अभी जो नॉर्मल जो अभी जो दूसरा टाइप है गाइस जिगिंग का रॉड का, वो आ जाता है हमारा ओवरहेड जिगिंग रॉड। ये आप देख रहे हैं, ये आप बोलोगे कि ये बेट कास्टिंग रॉड है, ऐसा नहीं गाइस, इसके ऊपर लिखा होता है इट्स ए जिगिंग रॉड, जो कि ओवरहेड जिगिंग रॉड है।
इसका प्रोफाइल ऐसा है कि इसके ऊपर आपको ओवरहेड जिगिंग रील यूज करना होता है। अभी आप बोलेंगे ये बेट कास्टिंग रील है, नॉर्मल आप बेट कास्टिंग रील भी जिगिंग ओवरहेड जिगिंग रॉड पे इस्तेमाल कर सकते हो, खाली उसका ड्रैग पावर अच्छा होना चाहिए, 10 किलो के ऊपर के आसपास होना चाहिए, तब आप उसको यूज करें। इसमें यह बेनिफिट होता है कि जब भी आप जिग को फॉल देते हो, नीचे छोड़ते हो जिग को, तो इसमें बहुत ईजी होता है क्योंकि आप थंब से उसका जो स्पूल है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस पर टच करके रख सकते हो। अगर फॉल पे मछली, बड़ी मछली ने अटैक किया आपके जिग पे, तो आपको यहाँ पे फील होगा एंड आप उसको स्ट्राइक मार लोगे। इन केस ऑफ स्पिनिंग, हम उसको हाथ से पकड़ के लाइन को छोड़ते हैं, अगर मछली ने फॉल होते टाइम पकड़ लिया जोर की और खींचने लगी, तो हमारा उंगली पे डैमेज होने का चांसेस होता है, जो कि आपके इस केस में नहीं होता ओवरहेड जिगिंग सेटअप पे। सो इस तरह का जो जिगिंग आप रील यूज करें, इसमें बहुत अच्छा सेटअप है गाइस, बहुत अच्छा ये सेट है, ये ओकुमा का सेटअप है, ये आप देख सकते हो ओकुमा के अच्छे रील आए हुए हैं, वो भी आप यू कैन गो फॉर इट एट H2O। सो बहुत ही अच्छा सेटअप है गाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब हम देखते हैं जो नॉर्मल जिगिंग है वो हम उसके लिए हम क्या कर सकते हैं रॉड के लिए। मैं जो यूज करता हूँ, मेरे ऑलरेडी वीडियोज में आपने देखा होगा, इस तरह का जिगिंग रॉड है हमारा। ये जिगिंग जो रॉड होते हैं वो नियर अबाउट 6, 6.5 फीट, 7 फीट के आसपास ही होते हैं, उससे कम ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए जिगिंग में हमें। तो आप इस तरह का सेटअप भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल एक स्पिनिंग रील यूज कर सकते हो। रील का सिलेक्शन करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियर अबाउट 5000 सीरीज के आसपास आप ले सकते हो इसको, 5000-6000, डिपेंड करता है कितना हैवी आप यूज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आ जाता है कि इसका पावर कितना है। 10 kg प्लस का आपका ड्रैग कैपेसिटी होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी कुछ भी मछलियाँ हुकअप हो सकती हैं, तो अगर पावर रहेगा रील में तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। कोई बहुत हैवी जिगिंग का सेटअप आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप बड़े जिगिंग के लिए जा रहे हो, बड़ी मछलियाँ टारगेट कर रहे हो, तब आपको कोई अच्छी जिगिंग रील यूज़ करना है, इस तरह की जो ओवरहेड वाला सेटअप है, इस तरह का मजबूत रील यूज़ करें जिसमें लाइन बैकअप ज़्यादा हो, ताकि बड़ा सा बड़ा मछली को आप टारगेट कर सकें। तो इस तरह के 2-3 टाइप के सेटअप आते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो अपना जिगिंग। सो गाइज, ये था कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट जिगिंग। हमने उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखा इसके बारे में, जिग्स के बारे में, जिगिंग टैकल्स के बारे में। सो आप, आई होप आपको काफ़ी कन्फ्यूजन क्लियर होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। इसका जो प्रैक्टिकल वीडियोज है ऑलरेडी हमारे चैनल पे है जिगिंग के, वो भी आप देख सकते हैं। इवन हम अभी जब सीजन स्टार्ट हो रहा है, हम जाएंगे फिशिंग के लिए, तो आपको लाइव इसका एग्जाम्पल्स दिखाएंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करेंगे अभी इस सीजन में, वो भी आपको जल्दी देखने मिलेगा। इवन काफी कुछ हमारे प्लान्स चल रहे हैं इस तरह के, जो वीडियोज है इन्फॉर्मेटिव, वो भी कंटिन्यूस हम सीरीज आगे रखने वाले हैं चालू, जिसमें आपको काफी कुछ इसमें देखने मिलेगा। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका वेट करें एंड हमारे चैनल को फॉलो करते रहे गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। आपसे मिलते हैं अगले किसी इन्फॉर्मेटिव या एक्शन से भरे वीडियो में, तब तक के लिए लिव योर लाइफ, डू फिशिंग, टाइट लाइंस। बाय बाय।